हाय हेलो नमस्कार, आप सभी को प्यार। मैं हूं सत्यम यादव, यूट्यूब ट्रेनर एंड टेक गाइड। दोस्तों, हिंदी स्टोरी वीडियो बनाने का ये दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हिंदी स्टोरी अगर बना रहे हो तो आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट करते हो, कौन सी ऑडियंस होगी, उनके लिए कौन सा सुटेबल कंटेंट होगा जो आप उनको एग्जैक्ट अपने ऑडियंस को दे सकते हो। साथ ही साथ जानेंगे कि आप उस ऑडियंस के लिए कौन कौन से कंटेंट बना सकते हैं और साथ ही साथ इसको किस तरीके से बनाना है। मैं एक स्टोरी वीडियो टेलिंग का पूरा बना के दूंगा आपको, जिसमें एक पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। आप अगर चाहते हैं उस टाइप से भी बनाना तो आप उस तरीके से भी बना सकते हो। साथ में सीखने वाले हैं कि आप एक्चुअली प्रैक्टिकल में टेक्स्ट वाली जो स्टोरीज होती हैं उसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अपनी ऑडियंस कौन सी होगी स्टोरीज वीडियो के लिए। तो दोस्तों, समझ लीजिए कि मैं एक स्टोरी वीडियो को बनाने का प्लान कर रहा हूं। मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है या मेरे पास एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूं कि इसको यूट्यूब पे अपलोड करूं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि इसके लिए मुझे पहले मेरी ऑडियंस बेस क्या होगी। मुझे पहले अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा कि मेरी ऑडियंस कैसी है और इसको सुनने वाले किस उम्र के लोग होंगे। हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा जो हमारा एज ग्रुप है वो 16 से लेके 45 तक होगा, और दूसरा जो एज ग्रुप है वो 45 से लेके 75 तक पकड़ सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे एक पहले ग्रुप एज के बारे में जो 16 से लेके 45 तक होगा। अब 16 से लेकर 45 वाले एज ग्रुप में समझो एक लड़का है जिसका नाम रोहित है। अब रोहित अभी उस उम्र में है या 20 साल की उम्र में रोहित क्या क्या सुनना पसंद करेगा। अगर मेरी कहानी में रोहित के लिए डिजाइन कर रहा हूं, रोहित को सुनाना चाहता हूं, या आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हो अपने आप से ही समझिए कि आप किस तरीके की कहानियों को सुनना पसंद करते हैं, किस तरीके के वीडियो को देखना पसंद करते हैं। या तो आप सोचते हो कि मैं YouTube के थ्रू या फिर किसी अनदर प्लेटफॉर्म के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकूं, उस टाइप के वीडियो देखते हैं, या तो आप मोटिवेशनल स्टोरीज को सुनना पसंद करते हो, या फिर आप किसी सैड स्टोरीज को सुनना पसंद करते हो जो आपसे रिलेटेड होती है, जो आपसे लगी हुई आपकी लाइफ से मिलती जुलती आपको मिलती है। तीसरी, आप लव स्टोरीज पसंद करते हो क्योंकि आप किसी न किसी के साथ एंगेज होते हो और उन स्टोरी को सुनने के बाद आप फील करते हो, आप अपने आप को उनसे कनेक्टेड पाते हो। तो एज एक ग्रुप के लिए सेम, ये भी मेल पे भी अप्लाई होता है, सेम ही थिंग फीमेल पे भी अप्लाई होता है। तो हमने इसमें सीखा कि आपकी ऑडियंस बेस कैसी है, आपके स्क्रिप्ट के हिसाब से आपकी ऑडियंस बेस अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। बात करेंगे दूसरे एज ग्रुप के बारे में। अब दूसरा एज ग्रुप जो हमारा रहेगा 45 टू आप 70-60 अब वो ले सकते हो। तो इस ग्रुप में जो समझिए जो भी लोग होंगे, या तो मोटिवेशनल वीडियोस देखना पसंद करेंगे, आपका एक ऑडियंस बेस मजबूत हो रहा है। अगर आप मोटिवेशनल बनाना वीडियो शुरू करते हो तो एक बेस ये हो सकता है, ये एज ग्रुप को आप टारगेट कर सकते हो। दूसरा स्पिरिचुअली हो सकता है, वो स्पिरिचुअली कुछ भी हो आप उनको दे सकते हैं जो देखना पसंद कर सकते हैं। तीसरा, इस उम्र में योग भक्ति फिटनेस की आप मतलब 45 के बाद कैसे लोग फिट रहें उस बारे में दे सकते हो। अब आपका ऑडियंस बेस एक तैयार हो जाता है जो है 16 से लेके 45 तक का, और दूसरा जो है वो 45 से लेके 60-70 अब वो का आप देख सकते हो। ऑडियंस क्लियर होने के बाद आपको ये पता चल जाता है कि आपका कंटेंट कौन कंज्यूम करेगा। सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि हम मार्केट में सामान लेके निकल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा सामान खरीदेगा कौन। अगर आपको खरीदार पहले से पता है कि हमारा ये खरीदार है, ये टाइप का कंटेंट ये कंज्यूम करेगा, ये टाइप का कंटेंट ये कंज्यूम करेगा, तो आपको अपने कंटेंट को राइट ऑडियंस तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों, बढ़ेंगे आगे और इसको देखेंगे कि किस तरीके से अब स्टोरीज बनती हैं। जैसे आप देखा हो, आपने देखा होगा कि आरजे कार्तिक सर की वीडियो जो होती है वो किस तरीके से आपको बनाना है, तो उसके लिए किस तरीके से आपको बनेगा उसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे।
दोस्तों एक बार की बात है, एक गांव में सूखा पड़ जाता है और उस गांव के लोगों के लिए पानी लाने को बहुत दूर दराज इलाकों में जाना पड़ता है। दूर से पानी लाने में उन्हें काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। उसी गांव में एक किसान रहता था जो अपने परिवार के साथ और एक दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। एक दिन रात में किसान खाना खा रहा था तो उसके एक बच्चे ने बोला कि पापा, हमें पानी लाने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारे यहाँ ही पानी हमको मिल जाए। किसान ने बच्चे की बात सुनी और उसके बच्चे को बोला कि कल सुबह हम अपने खेत में कुआं खोदना शुरू करेंगे। सुबह दोनों बाप बेटे मिलके अपने खेत में कुआं खोदना शुरू करते हैं। किसान एक जगह को खोदते खोदते 10 फीट खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। किसान को लगता है कि शायद यहाँ पानी नहीं है। वो उसी खेत में दूसरी जगह पे गड्ढा खोदना शुरू करता है। वहां पर भी सेम कंडीशन में वो 10 से 12 फीट खोदने के बाद उसको पानी नहीं मिलता तो फिर उसको लगता है कि शायद यहाँ पे पानी नहीं है। उसके बाद वो दूसरी जगह पे तीसरा गड्ढा खोदना शुरू करता है और किसान इसी तरीके से पूरे खेत में गड्ढा खोद डालता है लेकिन किसान को किसी भी खड्डे में पानी नहीं मिलता है। तभी कुछ दिनों में वहां से एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे होते हैं। गुरुजी देखते हैं कि एक अजीब सा मंजर एक खेत में दिख रहा होता है कि एक ही खेत में अलग अलग जगह पे कई सारे गड्ढे बने हुए हैं। गुरुजी को बड़ा अजीब लगा तो उन्होंने किसान को पूछा कि भाई, आप अपने खेत में ये क्या कर रहे हो। किसान ने बोला कि गुरुजी, मैं अपने खेत में कुआं खोद रहा हूं लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा। तो गुरुजी ने कहा कि आप क्या एक ही खेत में इतने सारे अलग अलग गड्ढे जो खोदे हो, क्यों? तो किसान ने बोला, गुरुजी, मुझे लगा कि इन सारे गड्ढों में पानी नहीं है या मेरा नसीब खराब है कि मेरे खेत में पानी नहीं है और मैं यहाँ कुआं नहीं खोद सकता। तब गुरुजी ने कहा कि आप एक ही गड्ढे को और नीचे गहराई तक खोदो जब से तक पानी नहीं मिल जाता। और किसान ने वैसा ही किया, एक ही गड्ढे को काफी गहराई तक खोदा और उसको पानी मिल गया। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम अपनी जिंदगी में जिस चीज में जो हम अपने गोल को सेट किए हुए हैं उस चीज के न पीछे न जाते हुए हमें अलग अलग डिस्ट्रक्शन के पीछे जाते हैं जिससे हमारी जिंदगी में हम अपना भी गोल नहीं पा पाते। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो उनके पीछे भागना छोड़िए, एक गोल को सेट करिए और उसी के पीछे जी जान से लग जाइए। तो भाइयों, ये थी एक कहानी जो आप बना सकते हो कुछ इस तरीके से बोल के, पूरी की पूरी कहानी सुना के, ऑडियंस को दे के। फिर आप अब बोलोगे इसके लिए क्या लगेगा। इसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट रहेगी जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और उस स्क्रिप्ट को आप इस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो। अगर इस तरीके का वीडियो बनाने में आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए, उसका हम जरूर सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको स्टोरी वीडियो जो होती है, जो टेक्स्ट वाली बनती है, वीडियो काफी लंबा होगा इसकी वजह से इसमें उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्टोरी जो स्लाइडिंग वीडियो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, जिसमें वॉइस ओवर किया हुआ रहता है पूरा का पूरा स्क्रिप्ट के साथ में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को प्यार, फिर से नमस्कार, जय हिंद।